उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नेता का नाम देख भड़की सोनिया गांधी। राहुल गांधी और सोनिया को आया भयंकर गुस्सा। किसके नाम पर? गहलोत पर भड़क गए सोनिया और राहुल। इस नाम को सोनिया गांधी ने सिरे से कर दिया खारिज। राजस्थान चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हैं। कांग्रेस और बीजेपी ऐसे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं जो जीत दिला सके। इसी बीच तमाम नेताओं और विधायकों की दिल्ली दौड़ लगातार जारी है और दिल्ली में कांग्रेस का मंथन भी नामों पर लगातार किया जा रहा है। 18 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक हुई। इस बैठक में कई नामों पर आपत्ति जताई गई, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पारा हाई हो गया। दोनों ने गुस्से में अशोक गहलोत से सवाल कर लिया कि आखिर ये नाम लिस्ट में आया भी तो कैसे। ये नाम था राजस्थान के UDH मंत्री शांति धारीवाल का। सूत्रों की माने तो जैसे ही शांति धारीवाल का नाम सामने आया, वैसे ही सोनिया और राहुल ने उनके नाम पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उनकी उम्मीदवारी को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सोनिया ने कड़े अंदाज में पूछा कि आखिर लिस्ट में ये नाम कैसे आया। सोनिया गांधी ने कहा, इस लिस्ट में शांति धारीवाल का नाम कैसे आया? इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि धारीवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी साफ छवि है। गहलोत अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही राहुल गांधी ने गुस्से में गहलोत की बात को काट दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब शांति धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली है। बताया ये जा रहा है कि इसके बाद बैठक में कुछ समय के लिए पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया। धारीवाल के नाम पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जिससे ये बात साबित होती है कि पिछले साल 25 सितंबर 2022 को पार्टी आलाकमान के आदेश के खिलाफ हुई बगावत धारीवाल को महंगी पड़ रही है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी पता है कि आखिर ये बगावत क्यों हुई थी? दरअसल साल 2022 में सितंबर महीने में शांति धारीवाल ने पार्टी आलाकमान के आदेश के खिलाफ हुई गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायकों का नेतृत्व किया था। उस वक्त सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष थी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को पर्यवेक्षकों के रूप में राजस्थान कांग्रेस विधायकों की बैठक के लिए भेजा था। चर्चा थी कि गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को CM बनाया जा सकता है। इसी डर से गहलोत समर्थक विधायकों ने शांति धारीवाल की आवाज पर अलग से बैठक की। गहलोत खुद के विधायकों ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर गहलोत CM नहीं रहे तो ये सरकार भी नहीं रहेगी। इधर पार्टी कार्यालय में इस विधायकों के लिए खड़गे और माकन इंतजार करते रहे। वहाँ बैठक में कुछ ही विधायक पहुँचे थे जो पायलट गुट के थे। शांति धारीवाल की आवाज पर समानांतर बैठक से खड़गे और माकन को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को पूरी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि इसके बाद धारीवाल को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। बस इसी तकरार का खामियाजा अब शांति धारीवाल को उठाना पड़ा है, और वो भी इतना बड़ा कि बैठक के बीच में ही राहुल और सोनिया गहलोत पर जमकर बरस गए। आप किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।